Atwari. Thank you for giving me this opportunity. मीलों की दूरियां होते हुए भी वो मेरे बिल्कुल करीब होती है। सच कह रहा हूँ यारो, एक तरफा इश्क की बात ही कुछ और होती है। ज़्यादातर मैं एक तरफा प्यार के ऊपर ही लिखता हूँ और आशा करता हूँ मेरे लफ्ज़ आपको बहुत पसंद आएंगे और आप सब इसी को इंजॉय करेंगे। लेकिन मैं आज देश के लिए और स्पेशली अपने फौजियों के लिए कुछ लिखा हुआ है, एक छोटी सी पोएट्री, कुछ लाइन उनको डेडिकेट की हुई है मैंने, तो मैं आपको वो ही सुनाना चाहता हूँ। आशा करता हूँ आपको बेहद पसंद आएगा और आपका प्यार मुझ तक जरूर पहुँचेगा। कि मतलब के रिश्ते तो बहुत से देखे हैं मैंने, कि मतलब के रिश्ते तो बहुत से देखे हैं मैंने, लेकिन फौजियों के जैसे सच्चे देश प्रेम को नहीं देखा। जब जब जुल्म बढ़ा था दुश्मनों का, तो जवानों ने अपनी जान हथेली पर रख के उन्हें देश से निकाल फेंका। कि वैसे तो फौजियों के लिए जितना बोलूं उतना ही कम है, लेकिन यहाँ दो पंक्तियाँ मैं अपने देश के वासियों के लिए भी कहना चाहता हूँ जो हिंदुस्तान में रहते हैं। वैसे तो सब मेरे प्यारे भाई बहन बड़े ही प्यारे हैं और उनके हौसले की दाद देना चाहूँगा दो पंक्तियों में। कि जूते फटे पहन के हम आकाश की ओर चल पड़े थे, कि जूते फटे पहन के हम आकाश की ओर चल पड़े थे, सपने हम हिंदुस्तानियों के हमेशा औकात से बड़े थे। हमारे देश के कुछ अमर शहीद जवान जो इतिहास में अमिट छाप छोड़ चुके हैं, कुछ पंक्तियां उन शहीद जवानों के नाम, एंड स्पेशली तारागढ़ी के अंदर जो 21 बहादुर जवान थे उन्हीं के लिए थी ये दो लाइनें। कि लाखों की भीड़ के सामने भी वो 21 बहादुर डटके खड़े हुए थे, लाखों की भीड़ के सामने भी वो 21 बहादुर डटके खड़े हुए थे, कैसे झुक जाते उन लुटेरों के सामने, वो अपनी देश की इज्जत के खातिर उस दिन केसरी पगड़ी पहने हुए थे। कुछ लोग यहाँ ऐसे भी हैं जो रिश्वत के बिना बिल्कुल चलते ही नहीं, कुछ लोग यहाँ ऐसे भी हैं जो रिश्वत के बिना बिल्कुल चलते ही नहीं, और एक वो है कि देश की रक्षा करने के लिए माइनस के टेम्परेचर में भी हिलते ही नहीं। हम यहाँ बैठे बैठे न जाने क्या क्या करते रहते हैं और वो सरहद से बैठ के हमारी रक्षा करते हैं। कहीं माँ अपने लाल को सीने से लगाती है, तो कहीं बहने अपने भाई को प्यार जताती है, और कुछ खुश नसीबों के द्वारा अपनी माटी को माथे से चूम के सरहद के देश की रक्षा की जाती है। मैं सल्यूट करता हूँ इन हीरो को। और अंतिम कुछ पंक्तियाँ, कि अरे जरा सोचो वो नज़ारा जहाँ न ऐश होती है न कोई मौज होती है, बस अपने चारों तरफ सच्चे देशभक्तों की ही फौज होती है। चाहे रो रही हो कोई माँ, चाहे रो रही हो कोई माँ, या चाहे दुल्हन से सजी कोई उसके इंतजार में तैयार बैठी होती है, लेकिन देश की रक्षा हेतु हर वक्त हर एक घड़ी वो फौज गोली खाने को भी तैयार होती है। कोई भी युद्ध हथियारों से नहीं बल्कि हौसलों से जीते जाते हैं, और फौजी ही कुछ ऐसे हैं हिंदुस्तान के कि जिन्हें देख के हम इतना इतराते हैं। छाती चौड़ी करके वो बॉर्डर पर शान से खड़े हो जाते हैं, छाती चौड़ी करके वो बॉर्डर पर शान से खड़े हो जाते हैं, दुश्मनों के असला बारूद से तो वो बिल्कुल भी नहीं घबराते हैं। कहीं मर न जाऊं मैं सरहद पर देश की रक्षा के खातिर, इससे तो वो बिल्कुल भी नहीं कतराते हैं। अगर लग भी गई गोली तो देश के खातिर वो वीर शहीद शहीद होकर के तिरंगे में लिपट के आते हैं। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।